नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन टीयर 2 का है, 2013 का SSC CGL में आया हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार टपकता है एग्ज़ाम में, एक बार नहीं, ये आप बहुत बार देख लोगे कि एग्ज़ाम में टपका हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको टपकाते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सेलर है, ठीक है, 25 मीटर क्लॉथ बेचता है और 5 मीटर क्लॉथ का उसको फ़ायदा हो जाता है, सेलिंग प्राइस का, समझ रहे हो ना, सेलिंग प्राइस का फ़ायदा होता है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया, अब इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 रुपया का, मान लो 1 रुपया का वो कपड़ा बेचता था, 1 रुपया का पर मीटर कपड़ा बेचता था, तो वो 25 मीटर बेच दिया, तो 25 मीटर बेचा तो 25 रुपया उसका आ गया, 25 रुपया आ गया ना, 25 रुपया जब आ गया, 25 रुपया में वो कितना रुपया कमाया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 यानी कि 25 रुपया में वो 5 रुपया कमाया, 5 रुपया 25 रुपये में कमाया है, यानी कि अगर 25 में 5 कमाया है तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। एक्चुअल में क्या कमाया है वो, 20 पे 5 कमाया है, समझे, 20 पे 5 कमाया है, 1/4, 1/4 को परसेंट में चेंज करोगे या 100 से 2 करोगे तो क्या आएगा, 25%, 1/5 माने 20 होता है, 1/4 माने 25% होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म, फिर से एक समझा देता हूँ, ठीक है, जो लोग नहीं समझे, जो लोग नहीं जो समझ गए वो लोग जाएँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाना, इसे मत जाना, और जो लोग नहीं समझे हैं वो लोग समझो, और अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, थोड़ा मनोबल बढ़ता है हम लोग का भी। तो ऐसी बात है कि देखो, एक दुकानदार है, 25 मीटर क्लॉथ वो बेचता है, तो अब समझो कि बेचने का जो, जब वो बेचता है तो 1 रुपये पर मीटर का दाम है, तो 25 रुपये का बेचा, 25 रुपये का बेच दिया ना, बोल रहा है कि जो 25 रुपये का बेच दिया 25 मीटर क्लॉथ, उस पे ना उसको सेलिंग प्राइस पे 5 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 5 जो कपड़ा बेच रहा है 5 मीटर, उस पे जितना इनकम आ रहा है सेलिंग प्राइस 5 बेचने के बाद, वही उसका प्रॉफिट है। तो मतलब 5 बेचने के बाद तो सेलिंग प्राइस एक का तो 1 रुपया है, तो अगर 1 रुपया है तो 5 रुपये से उसको फ़ायदा हो रहा है, 25 पे 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, समझ गए, अगर 25 रुपये सेलिंग प्राइस पे 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि सेलिंग प्राइस में से देखो कॉस्ट प्राइस प्लस करते हैं प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी कि 20 पे 5 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20 रुपया वो लगाया है जिस पे उसको 5 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितना, 25% हुआ। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद है मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा।